आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर टू फॉर क्लास एट्थ बी। फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है। पहले में दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप। इसमें क्या आएगा, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी होता है। बी, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन आएगा, डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सी, एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, यीस्ट आएगा। डी, कॉलरा इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। सेकेंड, टिक द करेक्ट आंसर, यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। बी पार्ट, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सी, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआन इज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, मादा मच्छर होता है। डी, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कॉम्युनिकेबल डिजीज इज हाउस फ्लाई होती है। ई, द ब्रेड और ए इडली डक्स राइज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द यीस्ट सेल। थर्ड, एफ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सुगर इंटू एल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये बच्चों सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ थर्ड क्वेश्चन मैचिंग का है, ए और बी इसके दो कॉलम है। बैक्टीरिया कॉजिंग कॉलरा, राइजोबियम फिक्सिंग नाइट्रोजन, लैक्टोबैसिलस सेटिंग कर्ड, दही बनाने में काम आता है, यीस्ट बेकिंग ऑफ द ब्रेड में काम आता है, प्रोटोजोआन जो है कॉजिंग मलेरिया, इससे मलेरिया रोग हो जाता है, बुखार, ए वायरस से कॉजिंग एड्स, एड्स हो जाता है। क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन फोर, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आईज, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेकेड आईज से देख सकते हैं, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, वी कैन नॉट सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद नेकेड आईज है बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, और इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। फाइव है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया हो गया और फंगस हो गया है, प्रोटोजोआ हो गया, एल्गी, वायरस, ये पांच ग्रुप हैं बच्चों। क्वेश्चन सिक्स है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स द एटमोस्फेयर नाइट्रोजन इन द सॉइल, राइजोबियम, इसका एक ही आंसर है, राइजोबियम। क्वेश्चन सेवन है, इंपॉर्टेंट है, राइट टेन लाइन ऑन द यूजफुलनेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 10 उपयोग बताइए। बच्चों वैसे 10 तो कम आते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, मेकिंग इन कर्ड, मेकिंग इन ब्रेड, मेकिंग इन चीज है, एंड यूजफुल इन क्लीनिंग एनवायरमेंट, एंड फिक्सिंग द नाइट्रोजन इन द प्लांट्स। नंबर सिक्स है, इन मेकिंग एल्कोहल, इन मेकिंग वैक्सीन, इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स, इन मेकिंग मैन्योर एंड मेकिंग प्रिजर्वेटिव, ये 10 उपयोग है बच्चों के। नेक्स्ट है एट्थ, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, डिफरेंट डिजीज के कॉज होते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया है, और आपका टीबी, ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, टीबी क्षय रोग है और लंग्स को प्रभावित करता है, और हमारे फूड स्टफ को भी ये स्पॉइल कर देता है बच्चों, और एक तरह से हमारे जो एनवायरमेंट को भी पॉल्यूट करता है। तो बहुत सारे ऐसे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमारे लिए हार्म भूल जाते हैं माइक्रो। अब नाइन्थ है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स
आर दोज मेडिसन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द हार्मफुल माइक्रोब्स डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की वृद्धि को या तो खत्म कर दें या रोक दें, उन्हें क्या कहेंगे? एंटीबायोटिक्स। प्रिकॉशन क्या है इन्हें लेने की? देखिए, वी शुड टेक द मेडिसन ओनली द एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। वी शुड कंप्लीट द फुल कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर्स। वी शुड नॉट टेक द मेडिसन व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। वी शुड कंप्लीट द फुल कोर्स। ये कुछ प्रिकॉशन है, हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बच्चों, क्वेश्चन आंसर तो ये रहे, कुछ आप फिगर पर निशान लगा लें जिन्हें आप बनाएंगे अपनी कॉपी में। जैसे पेज 18 पर फिगर 2.1 में ये वाली बना लो, 2.2 इन दोनों में से कोई सी है, 2.3 ये दोनों बना लीजिए, 2.4 में कोई सी दो बना लीजिए तीन में से, और 2.5 ये वाली बना लीजिए। बच्चों टेबल 2.1 कंप्लीट उतार लो, 2.2 भी कंप्लीट उतार लो, और 2.10 नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम बना लें, और ये 2.9 रूट ऑफ द लेगुनस प्लांट विद रूट नोड्यूल्स, ये वाली जड़ आपको बनानी है, ये हेडिंग। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू। अपना काम कंप्लीट रखें, साथ साथ याद भी करते रहें।